आगरा से रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 80 की स्पीड से फर्राटा भरती अपनी अपनी फॉर्चुनर और इनोवा जैसी लग्जरी गाड़ियों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते कि बंद खड़ी में उन्होंने मात्र 10 मीटर दूरी पर एक तरफा ऐसी सड़क भी है जहां पर आप 80 कदम भी पैदल ठीक से नहीं चल सकते। आज शेर रोहारा देवलडू जैसे गाँव को जोड़ने वाली सड़कों की दुर्दशा को दिखाने के लिए स्थानीय लोगों को बुलाया गया था, तो इनके जीवन की एक रेखाओं को देखकर मन बहुत आहत हुआ। जनसेवा में एक संघर्ष और सही, यह सड़क बिल्कुल नाले में बदल चुकी है और यहाँ पर पैदल चलना भी नामुमकिन है। लोगों को मजबूरन सड़क छोड़कर फसल से भरे हुए खेतों से होकर जाना पड़ रहा है। इस सड़क में सबसे पहले पुलिया बनी है तो अधिकारियों को इसकी जानकारी मौके से ही दे दी है। निवेदन है कि जल्द ही पुलियों का टेंडर करवाकर शुरू करवाया जाए। आज मैंने यहाँ शेर और देवलडू सड़क की दुर्दशा को लोगों के सही लोगों के साथ मैंने यहाँ पे देखा है और सड़क की सही में बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। लोगों का पैदल चलना भी सड़क पे नामुमकिन हो चुका है और ये सड़क पूरी की पूरी सड़क जो है नाले में तब्दील हो चुकी है। मेरे अधिकारी से बात हुई है तो मैंने बताया कि यहाँ पर पहले कुछ पुलियों का निर्माण किया जाएगा, तो मैंने अधिकारी से निवेदन किया है कि जल्द यहाँ पुलियों का निर्माण किया जाए। रही बात पुलियों के निर्माण के बजट के लिए, तो पूर्व विधायक जी ने भी यहाँ पे दो पुलियों के निर्माण के लिए कुछ एक पैसा सेंक्शन किया हुआ था अपनी विधायक निधि से और बाकी की राशि भी हम आदमी मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ऐसी कंपोनेंट है किसी ऐसे बजट से ये राशि यहाँ पे करवाई जाए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम जो आबादी है 80% के करीब आबादी जो है वो अनुसूचित वर्ग की आबादी है और ये आज के टाइम में ये सोचना ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ से मुख्य मार्ग से मात्र 10 मीटर दूर लोगों का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, मांग रखता हूं और ये लोग मांग राज्य से मुख्यमंत्री महोदय के पास ही है तो हम मांग करते हैं और लोगों की इस हक के लिए सड़क इस सड़क सुविधा के लिए मुझे चाहे किसी भी स्तर पर संघर्ष करना पड़े मैं करूँगा।